तो बलूचिस्तान और कश्मीर का डिफरेंस यही है कबत कि कश्मीर के डायरेक्ट लिंकेजेस पाकिस्तान आर्मी आईएसआई से हमेशा से मिले हैं और इसीलिए एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के वो कहाँ है और क्यों क्यों टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है? इट्स रिलेटेड टू कश्मीर ओनली। अब वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर जा रहे हैं और तो कहीं जा नहीं रहे, या फिर एक पोर्शन बड़ा अफगानिस्तान में भी है। आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो बीएलए पाकिस्तान आर्मी भी अगर अटैक करे तो वो फ्रीडम फाइटर है? जो पाकिस्तान में हमारे जो फौजी जवान थे उनको शहीद कर दिया गया और जिसमें 7 फौजी जवान शहीद हुए एक एफसी की पोस्ट में इन बलूचिस्तान हरनई में, जिसको आईएसपीआर ने भी कवर किया और वो सारा और पूरी इंटरनेशनल प्रेस ने भी बाय द वे कवर किया था इसको, ये डीडब्ल्यूडी का भी मैं दिखा रहा हूँ और हिंदू वगैरह भी सबने। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज हमें मिली वो हमने देखा कि वैसे तो वो मेरे दोस्त ही हैं मेजर गौरव आर्य और आपके भी सारी बातें कुलीग हैं, वो कह रहे हैं, ये मैंने उनका ट्वीट यहाँ पे लगाया है, वो कह रहे हैं जी कैरिंग आउट आर्मी ऑपरेशंस इन सिविलियन एरियाज इज अ वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, इफ पाकिस्तान क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेसी लेट इट एड्रेस द एस्पिरेशन ऑफ बलोच पीपल इंक्लूडिंग ऑल फ्रीडम फाइटर। अच्छा मजे की बात यह है कि ये जिनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, मुझे जस्ट एक चीज आपको और दिखाने दें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आप एक ये है वो फ्रीडम फाइटर जिनको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये दहशतगर्द है, ये मैंने आपके सामने लगा दिया। सो आशीष भाई ही इज एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर, उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है जारी बात है, लेकिन मैं जस्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ बिकॉज यू आर योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट। आप ये बिलीव करते हैं कि ये जो बीएलए पाकिस्तान आर्मी भी अगर अटैक करे तो वो फ्रीडम फाइटर है? ओके, सो आपका क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है और एट द सेम टाइम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव क्वेश्चन है कमर, कि आप बेसिकली ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान और कश्मीर का कंपैरिजन, कि अगर बलूचिस्तान में अगर वो फ्रीडम फाइटर है तो कश्मीर में भी फ्रीडम फाइटर है, अगर वहां पे डेमोक्रेसी पे प्रेशर है तो यहाँ पर भी डेमोक्रेसी पे प्रेशर डाला जाता है। देखिए इस आपका मैं पहले आंसर दे दूं कि यस, अगर अगर वो स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं तो ये फ्रीडम फाइटर हैं। लेकिन अब वो बलूचिस्तान और कश्मीर का डिफरेंस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पहला, बलूचिस्तान में जो कुछ है वो इंडियन सपोर्ट से नहीं है। अगर इंडियन के सपोर्ट से होता, इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश जो कि आप हमेशा बोलते रहते हैं कि रॉ कर रहा है, आईबी कर रहा है, ये इंडियन गवर्नमेंट का एनएसए दोवाल वगैरह का आप नाम लेते रहते हैं, ऐसा है तो फिर वो यहाँ पे इंडिया में क्यों बताना? वो आपको बताना चाहिए एफएटीएफ में कि इंडिया टेररिज्म फैला रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है। आप यूनाइटेड नेशन में लेके जाइए और वहां पर बताइए और इंडिया को ग्रे लिस्ट में डाल दीजिए, जैसे कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। ऐसा होता नहीं है, इसलिए ऐसा हो नहीं पा रहा, आपको मिल नहीं रहा है कोई इंडिया का लिंकेजेस। एक माहौल बनाना, नरेशन बनाना इज वन थिंग, बट कश्मीर में डायरेक्ट लिंकेजेस पाकिस्तान के हमेशा से मिले हैं और अभी भी रेगुलरली मिलते हैं। अभी तो इतने मिलने हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रेज करना भी बंद कर दिया है। बहुत ओकेजनली रेज करते हैं कि 100 डॉजियर दिए हैं, 100 लेटर्स दिए हैं, अभी 150 दे दो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बलूचिस्तान और कश्मीर में, कि बलूचिस्तान में वो लोग अगर खुद ही अनरेस्ट कर रहे हैं, जैसे इंडिया में यहाँ पर भी नक्सल्स हैं, तो नक्सल्स कुछ एरियाज बहुत अभी लिमिटेड हो गए हैं, लेकिन कुछ एरियाज हैं 2-3 इंडिया में जहां पर अभी भी नक्सल मूवमेंट चलता है और वो वायलेंट हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक हो जाती है। तो अगर वो इंटरनली है अपराइजिंग तो फिर उस स्टेट को देखना है, लेकिन अगर नॉन स्टेट एक्टर्स दूसरे कंट्री के उसको इंटरवीन कर रहे हैं और उसको बढ़ावा दे रहे हैं तब तो ये गलत है। तो बलूचिस्तान और कश्मीर का डिफरेंस यही है कबत कि कश्मीर के डायरेक्ट लिंकेजेस पाकिस्तान आर्मी आईएसआई से हमेशा से मिले हैं और इसीलिए एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है। जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के वो कहाँ है और क्यों क्यों टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेके पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है? इट्स रिलेटेड टू कश्मीर ओनली। अब वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन वहीं पर जा रहे हैं और तो कहीं जा नहीं रहे, या फिर एक पोर्शन बड़ा अफगानिस्तान में भी है। सो इंडिया का रिस्पेक्ट, हम किससे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन इन एनी डोमेन, वो डिपेंड करता है किस कंट्री के साथ में आप डील करते हैं। मैंने आप ही के शो पे कई बार एग्जांपल दिया, बांग्लादेश के साथ में अभी
दो साल में ही हमने बॉर्डर डिस्प्यूट बड़े लंबे चल रहे थे कई दशकों से, वो उसे सॉल्व किया ना, और उसमें इंडिया ने ज्यादा ही बल्कि अकोमोडेट किया बांग्लादेशी गवर्नमेंट को, शेख हसीना गवर्नमेंट को। तो वो अगर आप ठीक से करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बंदूक लेके करेगा तो फिर वो तो यहाँ पे इंडियन जो नक्सल्स हैं उनको भी नहीं सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ती। अगर मैं भी बंदूक उठा लूंगा तो कोई क्यों छोड़ेगा। तो आपने जो इलेक्शन की बात की, बलूचिस्तान में होते हैं क्या, कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहा अभी, देखिए क्या फैंटास्टिक रिस्पॉन्स आया। रेजोल्यूशन की बात है, कश्मीर में अब तो बीजेपी की जो एक ऐसा शॉकिंग था 5 साल पहले 7 साल पहले, इमेजिन करना कि बीजेपी कश्मीर में वो भी लोकल इलेक्शंस में डेंट कर पाएगी और एंट्री कर पाएगी। ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट भी बनाया बीजेपी ने इससे पहले, और लोकल लेवल इलेक्शंस पे जहां पर एकदम ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स होती है वहां पर भी अच्छे इंडोर्स बना लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बीजेपी आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा और कांग्रेस थी तो खराब हो जाएगा, या फिर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, दैट्स पॉलिटिक्स। बट आई एम सेइंग कि लोगों को इलेक्शन हो रहा है और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो एक इंटरनेशनल परसेप्शन बनाया जा रहा था वो फेल हो गया कि नहीं ये कश्मीर में तो कुछ नहीं हो पाएगा, हुआ और वो एग्जीक्यूट भी हुआ। रही दूसरी बात की बलूचिस्तान को लेकर आप बोल रहे हो यूनिलैटरल और बायलैटरल, देखिए शिमला अग्रीमेंट साइन हुआ ना, आपको अग्रीमेंट फॉलो करना है कि नहीं करना आप ही बताइए। आपने साइन किया, आपकी सरकार और हमारी सरकार के बीच में अग्रीमेंट है, फिर आप वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन पास करते रहे या फिर कोई मोशन पास करते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बायलैटरल अग्रीमेंट है, अगर आप जैसे कि कुलभूषण जाधव को लेकर आईसीजी में चले गए तो फिर चले गए, वहां पर जो रूल और रेगुलेशन है वो फॉलो होना चाहिए आईसीजी का। इन द सेम वे अगर दो देशों के बीच में वो करार है, अब तो ये सवाल ये उठ रहा है कि आप करार फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। यूएन रेजोल्यूशन के लिए फिर कहां चले जा रहे हैं, यूएन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अग्रीमेंट है तो बस फिर अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट को आपने साइन किया, आप नहीं ऑनर करना चाहते हैं, आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो गो एंड चैलेंज दैट अग्रीमेंट। अब आपने अग्रीमेंट साइन किया लेकिन अब आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर बोलेंगे कि नहीं यूएन रेजोल्यूशन, यूएन रेजोल्यूशन पर भी है तो पाकिस्तान को पूछना चाहिए ना इमरान खान को शी जिनपिंग से, शिनजियांग पे और चाइना पे यूगर्स मुस्लिम पे कितना यूएन रेजोल्यूशन है। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बलोच आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 7 सैनिकों को उड़ा दिया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से मातम का माहौल है, और वो ये सारा आरोप भारत के ऊपर डाल रहे हैं कि भारत बलोचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ पर आतंकवाद पैदा हो रहा है। बलोच एक फ्रीडम मूवमेंट है जो खुद अपने आप चल रही है आज़ादी के समय से पहले, मगर पाकिस्तान को दूसरे देशों के अंदर उंगली करना अच्छा लगता है। आज जब उसके सैनिक मारे जा रहे हैं तो वो सारा ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान को पता चल रहा है कि आतंकवाद का मतलब क्या होता है, जब अपने सैनिकों की लाशें घरों तक पहुंच रही हैं उसके बाद पाकिस्तान के आंसू निकल रहे हैं। पिछले 20 सालों से पाकिस्तान ने भारत के अंदर कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया, जिसकी वजह से हमारे हजारों सैनिक शहीद हुए और नागरिक मारे गए, जिसकी वजह से भारत ने पिछले 20 साल से इतना दुख देखा है। पाकिस्तान को अब ये दुख देखना पड़ रहा है तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। अब बलोच भी अब हार मारने वाले हैं, जितना जुल्म पाकिस्तान आर्मी ने इनके ऊपर किया है उसकी दास्तां कहीं नहीं मिलती। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे जाके पाकिस्तान का हल क्या होने वाला है। थैंक यू।